हल्दी और बाजार में उपलब्ध गेहूं आमतौर पर पीले रंग के होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी काली हल्दी या गेहूं के बारे में सुना है? आज हम इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इन उत्पादों की उपलब्धता प्रामाणिक तथ्य है। ये काले गेहूं और हल्दी दोनों उत्पाद आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं, साथ ही वे किसानों के लिए लाभदायक खेती का जरिया भी बन गए हैं। आम गेहूं की तुलना में काला गेहूं अधिक पौष्टिक है और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यदि ये आपके आहार में शामिल है तो मानसिक दबाव, बैरियट्रिक विकार, कैंसर, शुगर और दिल की समस्याओं जैसे रोगों से राहत दिलाने का काम करता है। काले गेहूं की खेती का परिणाम बहुत ही उत्साहजनक है। इस तरह हर व्यक्ति हल्दी से अच्छी तरह परिचित होता है। हालांकि काली हल्दी आम हल्दी से बिल्कुल अलग होती है। काली हल्दी में औषधीय गुण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों के खिलाफ काम करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी से बुखार, गठिया, त्वचा रोग और अस्थमा से राहत मिलती है। पश्चिमी ओडिशा के संबलपुर के एक युवा और उच्च शिक्षित किसान दिव्य राज बैरिहा राज्य में इन दिनों दुर्लभ उत्पादों की सफलतापूर्वक खेती करके चर्चा का विषय बन गए हैं। स्पेशलाइजेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर। मैं वनस्पति वैज्ञानिक हूँ, मैं प्लांट टिश्यू कल्चर पर शोध कर रहा हूँ। मैंने जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित पौधों से इन उत्पादों की खेती शुरू की थी। मैंने कई प्रकार के पौधों और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन उत्पादों को विकसित किया जो धीरे धीरे किसानों के लिए विलुप्त होती जा रही है। इस कोरोना महामारी की वजह से हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सचेत हो गया है। ऐसे समय में दिव्य राज विभिन्न अनुसंधान कार्यों का संचालन करते हुए काले गेहूं के बीज लाकर उनकी खेती करके अभूतपूर्व सफलता हासिल करने में सफल रहे हैं। काले गेहूं में औषधि गुणों की उपस्थिति के कारण ये किसानों के लिए बेहतर आय के लिए प्रकाश की किरण बन गया है। संभवतः काले गेहूं की खेती पहली बार ओडिशा में की जा रही है, लेकिन इस काले गेहूं के बीज का आविष्कार पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया था। एक परीक्षण के आधार पर ओडिशा में इसकी खेती की गई है। मेरा उद्देश्य ये पता लगाना था कि काले गेहूं की खेती ओडिशा की जलवायु में की जा सकती है या नहीं। मैं इस परीक्षण में सफल हो गया हूं। इसमें एंथोसाइनिन की मौजूदगी के कारण ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करता है, जबकि काले गेहूं से बना आटा 600-700 प्रति किलोग्राम ऑनलाइन बेचा जा रहा है। हालांकि इसका बीज 1200 से 1500 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। दिव्य राज ने खुद का अपना एक फार्म हाउस स्थापित किया है और वहां विभिन्न प्रकार की खेती पर शोध करने में व्यस्त रहते हैं। देवगढ़ के वन क्षेत्रों से लगभग विलुप्त हो चुके उत्पाद को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने काली हल्दी की खेती शुरू की है। काली हल्दी एक तरह का वन उत्पाद है, लेकिन अब ये विलुप्त होने जा रहा है। मैं इसकी खेती को पुनर्जीवित करने और उत्तक संवर्धन विधि के माध्यम से इसके प्रचार को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 सालों से इस पर शोध कर रहा था और अब इसने परिणाम दिया है। काली हल्दी के इस्तेमाल से त्वचा रोग और पेट की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इन दोनों उत्पादों में बहुत अधिक चिकित्सीय गुण है। बाजार में इनकी कीमत भी बहुत अधिक है। काले गेहूं के बीज को पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से लाया गया है, जबकि काली हल्दी देवगढ़ से मंगवाई गई है। से जो दिव्यराज वेरिया जो आरंभ करुछंती कोड़ा गहम और कोड़ा दिव्यराज द्वारा की जा रही खेती में बहुत सारे औषधीय गुण हैं। वर्तमान स्थिति में हर कोई आयुर्वेद आधारित खाद्य उत्पादों को लेना पसंद करता है, इसलिए सरकार को ऐसी खेती को प्रोत्साहन और संरक्षण देना चाहिए। खाद्य समस्त सरकार और जिला प्रशासन पक्ष पदक्षेप प्रोत्साहन दिया जाए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में इस तरह की जांच और अनुसंधान कार्य निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के साथ साथ शिक्षित किसानों को बेहतर आय का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा ये कोरोना महामारी की अवधि के दौरान किसी के स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्याओं की सुरक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।
24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।